going to have to ask him. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरलैंड। तो आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है म्यूज़। ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी कुछ विचेस के बारे में है। ये मूवी एक स्पेनिश मूवी है लेकिन मूवी बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें। तो अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है एक कॉलेज से, जहाँ पर एक क्लास में बीटरिस नाम की एक लड़की पोएम सुना रही थी। उस क्लास का प्रोफेसर सैमुअल, जो कि स्टूडेंट को डांटे इन्फर्नो के बारे में सिखा रहा था, इंसान किस तरीके के पाप करते हैं और उन पापों की वजह से वो किस तरह नर्क में जाते हैं, ये सैमुअल वहाँ पर स्टूडेंट को बताता है। कॉलेज में सैमुअल की एक प्रोफेसर दोस्त भी थी जिसका नाम रेचल था। रेचल सैमुअल को रात को अपने घर पर डिनर पर बुलाती है, लेकिन सैमुअल के कुछ और ही प्लान थे और इसलिए वो डिनर पर जाने के लिए मना कर देता है। फिर इसके बाद बीट्रिस सैमुअल के घर जाने के लिए लिफ्ट मांगती है, लेकिन कुछ देर के बाद में हम दोनों को सैमुअल के घर पर इंटीमेट होता हुआ देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बीट्रिस और सैमुअल का अफेयर चल रहा है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। दोनों एक साल से एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। बीट्रिस फिर सैमुअल से प्रॉमिस लेती है कि वो हमेशा उससे प्यार करेगा। फिर उसके बाद में बीट्रिस बाथरूम चली जाती है और सैमुअल ब्रेकफास्ट बना रहा था। यहाँ पर हम बीट्रिस को कुछ परेशान भी देखते हैं। फिर बीट्रिस बहुत देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आती है, तो इसलिए सैमुअल खुद उसे देखने के लिए बाथरूम में चला जाता है। लेकिन वहाँ पर सैमुअल को बीट्रिस की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो कि खून से लथपथ बाथटब में पड़ी हुई थी। बीट्रिस ने खुद अपनी नस काट ली थी या फिर उसे किसी ने मार दिया था, ये किसी को भी नहीं पता था। लेकिन सैमुअल बहुत कोशिश करके भी उसे नहीं बचा पाता है। सीन कट होता है और कहानी अब एक साल के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर हम सैमुअल को देखते हैं जिसे कुछ विचेस के सपने आते हैं और विचेस एक लेडी को सेक्रीफाइस कर रही थी। जब से बीट्रिस की मौत हुई थी, सैमुअल को हर दिन उन्हीं विचेस के डरावने सपने आते थे और इन सपनों का क्या मतलब था ये सैमुअल को नहीं पता था। अब बीट्रिस की मौत के बाद में सैमुअल की लाइफ पहले जैसी नहीं रही थी। बीट्रिस की याद में सैमुअल हर टाइम दुखी रहता था और उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। फिर एक साल के बाद एक दिन वो फिर से कॉलेज जाता है और वहाँ पर वो रेचल से मिलता है। रेचल सैमुअल को अपने घर पर डिनर पर लेकर जाती है और रेचल को भी सैमुअल के उन सपनों के बारे में पता था। रेचल सैमुअल को एक पेन में गिफ्ट करती है, अपने सपनों के बारे में लिखने के लिए कहती है ताकि उसका मन हल्का हो। और उसके बाद सैमुअल अपने घर पर आता है और उसी पेन से वो लिखने की कुछ कोशिश भी करता है। तभी वो टीवी पर एक न्यूज़ देखता है कि एक लेडी को किसी ने मार दिया है और उसकी बॉडी साल्ट के एक सर्कल में मिली है, जैसे कि वहाँ कोई रिचुअल चल रहा हो और उस लेडी को किसी ने सेक्रीफाइस किया हो। और ये वही घर था जो कि सैमुअल को अपने सपनों में आया करता था। तो इसलिए सैमुअल इन सभी बातों के बारे में बात करने के लिए अगले दिन रेचल से मिलता है और उसे ऐसा भी लग रहा था कि इन सबका बीट्रिस की मौत से कुछ रिलेशन है। जो लेडी मरी थी उसका नाम लीडिया था और उस लेडी को सैमुअल जानता भी नहीं था, लेकिन सिर्फ उसे ही क्यों उस लेडी की मौत का सपना आ रहा था। सपने में सैमुअल ने जिस तरह उस लेडी को मरते हुए देखा था, ठीक उसी तरीके से उस लेडी को किसी ने मार दिया था। न्यूज़पेपर से सैमुअल को पता चलता है कि वो घर बॉल्स ब्रिज में है, तो इसलिए सैमुअल सच का पता लगाने के लिए बॉल्स ब्रिज नाम की जगह पर जाता है। उस जगह जाकर सैमुअल उस घर के अंदर चला जाता है और घर के सभी चीज़ों को देखने लगता है। उसने सपने में जैसा देखा था ये घर बिल्कुल सेम वैसा ही था। और अपने सपनों के विजन को फॉलो करके सैमुअल को एक लेडी की फ़ोटो भी मिलती है। उस फोटो के पीछे कुछ लोगों की फ़ोटो छुपाई हुई थी और फोटो सैमुअल अपने पास में रख लेता है। तभी सैमुअल को उस घर में एक लेडी भागते हुए दिखाई देती है। सैमुअल उस लेडी का पीछा करता है और वो लेडी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। सैमुअल के पूछने पर वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम सुजैन है और उसे भी सैमुअल की ही तरह लीडिया की मौत के सपने आते थे और वो भी पहले से ही लीडिया को नहीं जानती थी। फिर उसके बाद दोनों उसी मर्डर वाले रूम में जाते हैं और उनको याद आता है कि सपने में उन्होंने उस रूम के अंदर एक डोर को देखा था। दोनों को वो डोर मिल भी जाता है और उस डोर को खोलकर दोनों अंदर जाते हैं। उस रूम के अंदर उनको एक ग्लास के बॉक्स में एक एग मिलता है, लेकिन वो कोई नॉर्मल एग नहीं था। इस एग को डांटे की बुक में इमांगो कहा जाता है और उस इमांगो में डांटे की लिखी हुई कुछ लाइन्स लिखी हुई थी। लीडिया ये चाहती थी कि उन दोनों को वो इमांगो मिले, तो इसलिए उन दोनों को वो सपने आते थे। तभी दोनों विंडो से देखते हैं कि पुलिस घर के बाहर तक आ चुकी है और इसलिए दोनों वहाँ से भागते हैं। भागते भागते दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे और वो इमांगो अब सुजैन के पास में रह गया था। रात को हम सुजैन को एक स्ट्रिप क्लब में डांस करते हुए देखते हैं, जो कि अपने बेटे की परवरिश के लिए स्ट्रिप क्लब में काम किया करती थी। अब सैमुअल अपने घर आने के बाद में उसी फोटो के पीछे लिखे वर्ड व्हाइट रिंग को इंटरनेट पर सर्च करता है, लेकिन उसे उस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है।
तभी उसे उस फोटो में एक कॉलेज का नाम दिखता है जहाँ पर जाने के बारे में सोचता है। अब अगले दिन सैमुअल रेचल से मिलता है और रेचल उसे उस इमांगो पर लिखे हुए डांटे की लाइन का मतलब बताती है। उस लाइनों का मतलब था लेडी ऑफ डार्क। डांटे ने अपनी बुक में सात लेडी के बारे में बताया था जो विचेस थी और उन्हें मूजस कहा जाता था। ये ऐसी विचेस होती थी जो कि इंसानों की सिंस यानी कि उनके पापों का फैसला करती थी। पहली लेडी कानून बनाती थी, दूसरी लेडी गुस्सा दिलाती थी, तीसरी लेडी झूठ बोलती थी और चौथी लेडी सजा देती थी, पांचवी लेडी फॉर्चून टेलर यानी कि फ्यूचर बताती थी, छठी लेडी लोगों को सेड्यूस करती थी और सातवीं लेडी वो लोगों के अंदर छुपती थी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन विचेस से मिलने की बातें भी कही थी, लेकिन उनमें कई लोग बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारे गए। उन सभी की बॉडी एक वाइट रिंग के अंदर मिली थी जैसे कि किसी ने उनका सेक्रीफाइस किया हो। रेचल सैमुअल को उन सभी लोगों के नाम और उनके फोटो दिखाती है जिन्होंने सात विचेस मतलब कि म्यूजियस को देखने की बात कही थी। सभी लोग किसी बीमारी या फिर अचानक किसी एक्सीडेंट से मारे गए थे, लेकिन सभी की बॉडी पर कोई स्पेल लिखा हुआ था। पर उनमें से एक आदमी नीटो जो कि एक प्रोफेसर था वो अभी भी जिंदा था और इसलिए सैमुअल नीटो को ढूंढने का सोचता है। इधर सुजैन उसी इमांगो को देख रही थी और उसे बार बार अपने डिलीवरी का टाइम याद आ रहा था। तभी वो उस इमांगो के वर्ड्स को मूव करते हुए देखती है। अचानक से उसका बेटा आंड्रे उसके पास में आता है और तब सुजैन उस इमांगो को छुपा देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज के बाद में सुजैन उस स्ट्रिप क्लब में काम नहीं करने वाली थी। सुजैन अपने बेटे को लेकर इस कंट्री से कहीं दूर जाने वाली थी। अब रात को सुजैन स्ट्रिप क्लब जाकर अपने बॉस कार्लोस से मिलती है और काम को छोड़ने की बातें कहती है। सुजैन अपने बॉस को कुछ पैसे देती है ताकि कार्लोस उसका पासपोर्ट वापस कर दे, लेकिन यहाँ पर कार्लोस सुजैन को डराता है और धमकाता भी है और वो उसे उसका पासपोर्ट भी वापस नहीं करता है और कार्लोस सुजैन को वापस से काम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सैमुअल अपनी कैट को खाना देने के लिए उसे पुकार रहा था, लेकिन उसकी कैट उसे कहीं नहीं मिली थी। तभी उसे अपने घर में अपने सपनों में दिखने वाली छोटी विच दिखाई देती है जिसका नाम लिजा था और ये विच कानून बनाने वाली विच थी। विच लिजा के हाथ में सैमुअल की कैट की डेड बॉडी थी। लिजा सैमुअल से वो इमांगो मांगती है और इस इमांगो लेकिन सैमुअल के पास में तो वो इमांगो था ही नहीं। वो विच अपनी पावर का यूज करके बिना सैमुअल को हाथ लगाए उसका गला दबाने लगती है, साथ ही वो सैमुअल के हाथ पर भी कट मारने लगती है। फिर विच लिजा सैमुअल को एक एड्रेस देती है और कहती है कि वो कल रात को इमांगो को किसी भी हालत में लेकर उस एड्रेस पर पहुंच जाए और जाने से पहले विच लिजा सैमुअल के पास में उसकी कैट को फेंक कर जाती है जिसने उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। दूसरी तरफ सुजैन क्लब में अपना काम कर रही थी जब वो नोटिस करती है कि कार्लोस अपने केबिन में नहीं है तो वो उसके केबिन में जाकर अपना पासपोर्ट चुरा लेती है। फिर अगले सुबह रेचल सैमुअल के घर पर आती है। रेचल के घर में घुसने से पहले सैमुअल ने अपने केट को डस्टबिन में फेंक दिया था और रेचल के सामने वो कल रात के इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। फिर रेचल सैमुअल को नीटो का एड्रेस बता देती है। सैमुअल नहीं चाहता था कि उसकी दोस्त इन सब प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो और उसकी जान को कोई खतरा हो, तो इसलिए वो अकेले ही नीटो से मिलने के लिए निकल जाता है। फिर कुछ देर के बाद में हम सैमुअल को प्रोफेसर नीटो के घर पर देखते हैं। सैमुअल नीटो को वही फोटो दिखाता है जो कि उसे लीडिया के घर पर मिली थी। नीटो को लीडिया की मौत के बारे में और उसके साथ में जो कुछ भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन सब के बारे में बताता है। नीटो से सैमुअल को पता चलता है कि लीडिया एक विच है और उन सात विचेस में से लीडिया का काम फ्यूचर बताना था। नीटो के पास में लीडिया का दिया हुआ एक रिकॉर्डिंग भी था जो वो सैमुअल को सुनाता है और उसी के पास में एक मरी हुई फिश को रखता है। जब वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तो फिश अपने आप जिंदा हो जाती है, मतलब कि म्यूजेस यानी कि विचेस अपने पावर से कुछ भी कर सकती है। नीटो से सैमुअल को पता चलता है कि उन विचेस ने नीटो से उसका सब कुछ छीन लिया था और उसकी पूरी फैमिली उसके फ्रेंड को भी विचेस ने मार डाला था। नीटो के हाथ पर हम विचेस के कुछ स्पेल को भी देखते हैं और नीटो के मुताबिक विचेस जो कुछ भी उससे मांग रही थी उसे वो दे देना चाहिए, नहीं तो विचेस उसके सभी सपनों को खत्म कर देगी। लेकिन सैमुअल के पास में वो इमांगो था ही नहीं और ना ही सुजैन का कोई एड्रेस उसे पता था, वो कैसे उस इमांगो को विचेस को वापस दे देता। तब नीटो उसे दूर भाग जाने को कहता है जहाँ पर उसे विचेस आसानी से नहीं ढूंढ पाएगी। अब घर जाकर सैमुअल वहां से भागने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था, तभी उसे अपनी पॉकेट में उसी स्ट्रिप क्लब का कार्ड मिलता है जो कि उसे सुजैन से मिला था। सुजैन को ढूंढने के लिए सैमुअल उसी स्ट्रिप क्लब में जाता है, लेकिन वहां पर कार्लोस उसे कुछ भी नहीं बताता है। पर बाहर उसे क्लब की एक दूसरी लड़की मिलती है जो कि सैमुअल को सुजैन का एड्रेस बता देती है और तब सैमुअल सुजैन के घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ पासपोर्ट मिलने के बाद सुजैन अपना सामान पैक कर रही थी और कंट्री को छोड़कर जाने के लिए निकल रही थी, तभी वहां पर कार्लोस आता है और सुजैन को पासपोर्ट चुराकर भागने के लिए बहुत ही पीटता है। लेकिन इस बार सुजैन हिम्मत कर कार्लोस के गले में एक स्क्रू ड्राइवर को घुसा देती है और उसे जान से मार डालती है। तब तक वहां पर सैमुअल भी आ चुका था और सुजैन की ऐसी हालत देखकर उसे वहां से उसके बेटे के साथ एक होटल में ले आता है। वहां पर सुजैन से उस इमांगो को अपने साथ में ले जाने की बातें कहता है। पहले तो सुजैन इमांगो देने के लिए मना करती है, लेकिन बाद में वो सैमुअल को
उस इमांगो को ले जाने देती है। सैमुअल तब वो इमांगो लेकर विचेस को देने के लिए निकल जाता है और तभी सैमुअल को प्रोफेसर नीटो का कॉल आता है जो उसे किसी लेटर के बारे में बताना चाहते थे। इससे पहले नीटो सैमुअल को कुछ बता पाता कोई लेडी नीटो के सामने आती है। वो नीटो कॉल को कट कर देता है। फिर इधर सैमुअल विच लिसा के कहे हुए उसी जगह पर आता है उस इमांगो को देने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक और विच थी जिसका नाम वेनेसा था। ये विच लोगों को बुरे काम करने के लिए नुकसाती थी। सैमुअल विच वेनेसा को वो इमांगो दे देता है लेकिन उस इमांगो को हाथ में लेकर वेनेसा उसे तोड़ देती है क्योंकि वो एक नकली इमांगो था। इसलिए विच लिसा सैमुअल के कान में कुछ स्पेल पड़ती है जिससे कि सैमुअल की नाक और हाथ के जख्म से खून निकलने लगता है। यहाँ पर हम रेचल को देखते हैं जो कि उन म्यूजिस और विचेस की थ्योरी को सोल्व कर रही थी लेकिन उसे पता नहीं था कि उनमें से एक विच उसके घर में भी है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि लीडिया सुजैन से मिलने के लिए आती है और सुजैन लीडिया को देखकर शॉक्ड थी क्योंकि वो तो मर चुकी थी। इधर दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सुजैन भी एक म्यूज यानी कि विच है और सुजैन सेड्यूस करने वाली विच है लेकिन वो बाकी विचेस की तरह नहीं थी। बाकी विचेस से सुजैन हमेशा ही अलग रहती थी। यहाँ पर लीडिया की बातें सुजैन को कुछ अलग अलग लगती है। वो जान गई थी कि ये लीडिया नहीं हो सकती है तो वो लेडी अपने फेस की स्किन निकाल कर अपने असली रूप में आती है और ये लेडी भी एक विच थी जिसका नाम स्टेला था और ये झूठ बोलने वाली विच थी। यहाँ पर विच स्टेला सुजैन से इमांगो लेने के लिए आई थी और अगर सुजैन ने उस इमांगो को उसे नहीं दिया तो सुजैन के बेटे एंड्रयू को भी नुकसान पहुँचा सकती थी। अब दूसरी तरफ हम प्रोफेसर नीटो को देखते हैं जो कि सजा देने वाली विच के कब्जे में था। इस विच का नाम है येनिस था और वो प्रोफेसर को टॉर्चर कर रही थी क्योंकि उसने उसका सीक्रेट सैमुअल को बताया था। येनिस नीटो से भी उस इमांगो का पता लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन अभी तक नीटो को ही उस इमांगो के बारे में नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ सैमुअल सुजैन के पास में आता है और उसे जानना था कि सुजैन ने उसे नकली इमांगो क्यों दिया। यहाँ पर विच स्टेला सुजैन के बेटे एंड्रयू को अपने साथ में ले गई थी क्योंकि सुजैन ने उसे इमांगो नहीं दिया था। सुजैन की बातों से हमें पता चलता है कि विचेस कई तरह की होती है और वे लोग सात म्यूजिस थे। उनके कई सारे रूल्स भी थे और जो भी विच रूल तोड़ती थी बाकी की विचेस उसकी पावर छीन लेती थी। उनमें से ही एक रूल था कि किसी से भी प्यार करके बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं और सुजैन ने वो रूल तोड़ दिया था। उसने किसी से प्यार किया था जिसके बाद में उसे एंड्रयू पैदा हुआ था। गुस्से में बाकी विचेस ने सुजैन की सभी पावर छीन ली थी और उसकी पावर को एक इमांगो के अंदर बंद कर दिया था और उसे दफना दिया था जिसके बाद सुजैन ने अपनी मेमोरी खो दी थी। बाकी की विचेस ने सुजैन को कार्लोस के पास भेज दिया था और यहाँ पर लीडिया बाकी विचेस की तरह नहीं थी। उसने इमांगो को फिर से जमीन से बाहर निकाला था और अपने पास में रख लिया जिस वजह से सुजैन को फिर से सब कुछ याद आ गया था लेकिन बाकी विचेस को वो इमांगो लीडिया ने नहीं दिया था तो इसलिए उन्होंने लीडिया को डेविल के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। लीडिया फ्यूचर देखने वाली विच थी और उसे पहले से ही ये पता था कि उसके साथ में क्या होने वाला है। इसलिए उसने सैमुअल और सुजैन को विजन दिखाना शुरू किया ताकि वो इमांगो तक पहुंच सके। फिर इसके बाद सुजैन अपनी पावर से सैमुअल के हाथ का जख्म ठीक कर देती है। सुजैन फिर सैमुअल को वो इमांगो विजेस को दे देने को कहती है लेकिन सैमुअल उन्हें वो इमांगो नहीं देना चाहता था। उसी इमांगो से सुजैन के पास में उसकी पावर थी और अगर उसने वो इमांगो उन्हें दे दिया तो वो उसे मार सकती थी। तब वो सुजैन सैमुअल को बताती है कि एक और विच है जो कि बाकी लोगों से छुपती है। सातवें नंबर के वो विच सभी विचेस से बहुत ही पावरफुल है और सभी विचेस उस सातवें विच से लिंक्ड है। अगर उन्होंने सातवें नंबर की विच को मार दिया तो बाकी सभी विचेस भी मर जाएंगी लेकिन वो विच कहाँ है ये उन्हें ढूंढना था। तभी सैमुअल को याद आता है कि नीटो ने उसे कॉल करके लीडिया के किसी लेटर के बारे में कहा था, मतलब कि उस लेटर में सातवीं विच के बारे में कुछ क्लू होगा। इसलिए दोनों नीटो के घर में जाते हैं। सुजैन घर के बाहर रुकती है और सैमुअल घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर सैमुअल को नीटो जख्मी हालत में मिलता है जिसके जख्म को कीड़े खा रहे थे और वो चेनिस नीटो की हालत की जिम्मेदार थी। जिसके बाद में सैमुअल लीडिया को लेटर ढूंढने लगता है। जब उसे लेटर मिलता है तो उसके ऊपर नीटो का सर्वेंट हमला कर देता है। उस सर्वेंट पर येनिस ने स्पेल करके रखा था तो इसलिए वो खुद के होश में नहीं था और सर्वेंट सैमुअल की जान लेने ही वाला था। लेकिन सही समय पर सुजैन वहाँ पर आकर उस सर्वेंट के कान में एक स्पेल कहती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और सैमुअल की जान बच जाती है। दोनों वहाँ से निकलते हैं और उस लेटर को पढ़ते हैं। उस लेटर में एक कोड था और एक की भी थी लेकिन दोनों को उस लेटर की बातें समझ नहीं आ रही थी तो इसीलिए दोनों रेचल के पास में जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर दोनों देखते हैं कि विचेस ने रेचल पर भी स्पेल करके रखा हुआ है। इसलिए रेचल खुद की बॉडी को ही खा रही थी। सुजैन भी स्पेल नहीं रोक सकती थी और वो स्पेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। दोनों रेचल के हाथों को बांध देते हैं ताकि वो खुद को हार्म न करें। सैमुअल सुजैन को एक एम्बुलेंस लाने के लिए कहता है और खुद रेचल से उस लेटर के कोड के बारे में पूछता है। रेचल खुद दर्द में थी लेकिन फिर भी वो सैमुअल को उस लेटर के कोड को सोल्व करके दे रही थी।
उस कोड में एक घर का एड्रेस छुपा हुआ था जो कि सालों से अबैंडन था, और सैमुअल सुजैन को भी यही बात बताता है। फिर उसके बाद सुजैन सैमुअल को रूम से बाहर जाने को कहती है और वो खुद रेचल को ठीक करना चाहती थी, तो इसलिए सैमुअल रूम के बाहर चला जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद में विंडो से बाहर देखने पर सैमुअल को बाहर रोड पर सुजैन दिखाई देती है, मतलब कि अब जो रेचल के पास में थी वो सुजैन नहीं बल्कि वो झूठ बोलने वाली विच स्टेला थी जिसने रेचल को जान से मार दिया था। फिर अपनी दोस्त की मौत से सैमुअल बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। रेचल ने उसकी हेल्प करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी थी। सीन कट होता है और नेक्स्ट डे सैमुअल और सुजैन उसी घर के एड्रेस तक आते हैं। उस घर के अंदर दोनों उस की के क्लू को ढूंढने लगते हैं। अब घर में उनको एक अलमारी मिलती है जिस पर लिखा हुआ था प्रॉमिस मी यू लव मी, और ये लाइन बीट्रिस ने सैमुअल के लिए कही थी अपनी मौत से पहले। सैमुअल उसी की से उस अलमारी को खोलता है जिसके अंदर एक ग्लास था, और उस ग्लास में सैमुअल अपने फेस को देखता है, और तब जाकर सैमुअल को समझ में आता है कि सातवें नंबर की विच और कोई नहीं बल्कि सैमुअल की गर्लफ्रेंड बीट्रिस थी, और बीट्रिस कभी मरी ही नहीं थी। उसने सैमुअल को प्यार में ऐसा फंसाया था कि सैमुअल उसे कभी भी नहीं भूल पाया, और तब से बीट्रिस सैमुअल के अंदर छुपी हुई थी। तो इसलिए सुसाइड करने से पहले बीट्रिस ने सैमुअल से प्रॉमिस लिया था कि वो कभी भी उसे नहीं भूलेगा, और उसी प्रॉमिस के जरिए बीट्रिस आज भी सैमुअल के अंदर जिंदा है। तो इसलिए लीडिया ने सैमुअल को वो विजन दिखाए थे ताकि सैमुअल बीट्रिस का सच जान पाए। अब बीट्रिस को सैमुअल के अंदर से बाहर लाने के लिए सैमुअल को उससे प्यार करना छोड़ना होगा, क्योंकि वैसे भी वो प्यार नहीं बल्कि एक धोखा था। यह सब जानकर सैमुअल को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वो खुद को किसी तरीके से संभाल लेता है। बीट्रिस को सैमुअल के अंदर से बाहर निकालने के लिए सुजैन एक वाइट रिंग रेडी करती है, लेकिन उससे पहले सुजैन सैमुअल से प्रॉमिस लेती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो सैमुअल उसके बेटे एंड्रयू को संभालेगा। फिर उसके बाद सुजैन सैमुअल के एक हाथ में कट मारती है और उसके खून को पानी में डालती है ताकि बीट्रिस उसके अंदर से बाहर आए। तब तक उस घर में बाकी की विचेस भी आ चुकी थी क्योंकि उन्हें इमांगो चाहिए था, और उनके साथ में सुजैन का बेटा एंड्रयू भी था। कुछ ही देर में सैमुअल के अंदर से बीट्रिस बाहर आती है, और किसी तरह सुजैन बीट्रिस को उस वाइट सर्कल के अंदर ले आती है, और उस वाइट रिंग से बीट्रिस खुद बाहर नहीं आ सकती थी। लेकिन यहाँ पर ब्लड लॉस होने के कारण सैमुअल बेहोश हो गया था, पर सुजैन एक स्पेल बोलकर उसे होश में ले आती है। अब बीट्रिस सैमुअल के अंदर ही छिपी हुई थी तो सैमुअल ही बीट्रिस को मार सकता था। यहाँ पर बीट्रिस सैमुअल को अपनी बातों में फंसाने लगती है ताकि वो उसे नहीं मारे, लेकिन बीट्रिस की बातों में आकर सैमुअल भी उसे नहीं मार पा रहा था। उसी समय वहाँ पर बाकी की विचेस सुजैन के बेटे को लेकर आती है। वेनेसा सुजैन से बीट्रिस को छोड़ने के लिए कहती है और इमांगो उन्हें वापस देने के लिए कहती है, नहीं तो वे लोग उसके बेटे को मारने वाले थे। विचेस सुजैन को समझा रही थी कि अगर बीट्रिस मारी गई तो बाकी की विचेस के साथ में वो भी मारी जाएगी, क्योंकि वो भी एक विच है, तब उसका बेटा इस दुनिया में अकेला रह जाएगा। अगर सुजैन बाकी की विचेस का साथ देगी तो उसे पहले की तरह उनके ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन सुजैन ना ही पहले उन बुरी विचेस की तरह थी और ना ही अब वो बुरी विच बनना चाहती थी, तो इसलिए वो सैमुअल से कहती है कि वो बीट्रिस को मार डाले। सैमुअल भी उसकी बात मानकर बीट्रिस का गला काट देता है, और तब सभी विचेस और उनके साथ सुजैन भी मर जाती है। अब कहानी फिर कुछ टाइम के बाद से शुरू होती है जहाँ पर सैमुअल उसके साथ में जो कुछ भी हुआ था उसके ऊपर एक बुक लिख रहा था, और अब उसने पहले की तरह कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था, और अब सुजैन का बेटा एंड्रयू सैमुअल के साथ ही रहता था, और अब सैमुअल सुजैन को दिया हुआ प्रॉमिस निभा रहा था, और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती।